पर्पस तुम्हें फिर से याद दिला दें हम, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू गो फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स, है ना, ये अगले नेक्स्ट 2 ईयर का आपका यूथ पीरियड का टाइमलाइन है, तो इस 2 साल में आपको कई सारे, मतलब 4 सेमेस्टर्स होंगे, कई सारा फील्ड वर्क होगा, पेपर होगा, है ना, और सबको पढ़ाते वक्त एक एक इंटेंशंस होती हैं एक कोर्स का, एक कॉलेज का, कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू प्रिपेयर यू। तो जैसे मान लो कि सब्जेक्ट्स तो अलग बात हो गई, सब्जेक्ट के पीछे की जो बात होती है कि और सारे सब्जेक्ट्स मिलके एग्जैक्टली क्या स्किल्स तुम्हें देना चाहते हैं, किस तरह के लीडरशिप तुम पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, एंड आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट फ्रॉम दैट कोर्स व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड वेयर डू यू एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन और कहाँ पे आप काम करोगे, इसकी सारी डिटेलिंग, मतलब ये 2 साल का पर्पस होता है जब भी कोई कोर्स ड्राफ्ट होता है। तो बेसिकली व्हेन अ प्रोफेसर और व्हेन अ कॉलेज व्हेन आस्क फॉर इंटरव्यू और या फिर जो भी एस्पिरेंट्स को जो चेक करते हैं, वो इस बेसिस पे चेक करते हैं कि एज एन एस्पिरेंट आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एक्सपेक्टेशंस को जानते हो कि नहीं, कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर विद दैट प्रोग्राम, ये भी मैच होना चाहिए। इट्स बेसिकली मैचिंग यू एंड विथ योर कोर्स वाइस वर्सा। तो ये अलाइनमेंट का हमारा पर्पस ये है कि हम आपको कोर्स के बारे में या आपको अलाइन कर सके, आपकी पर्सनालिटी को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस को कोर्स के पर्सपेक्टिव से अलाइन कर सके। तो ये कोर्स जो है डेवलपमेंट पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रैक्टिस, ये कोर्स तुलजापुर कैंपस में है, विच वॉज कॉल्ड रूरल कैंपस ऑफ टेस, बट ऐसा नहीं है, मतलब आफ्टर फ्यू ईयर ऑफ एक्टिंग एज अ रूरल कैंपस ऑफ टेस, द कैंपस ऑल्सो हैड इट्स ओन फीचर एंड स्पेशलिटीज इन ओन वे। सो दो, एक तो पहली चीज आप याद रखो कि इवन द कोर्स इज फ्रॉम तुलजापुर, ऐसा नहीं है कि डीपीपी का जो फीचर है वो रूरल ही है ना, जितनी चीजें आप रूरल पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे ऑलमोस्ट उतनी ही चीजें अर्बन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ोगे। द एसेंस इज डेवलपमेंट की पॉलिसी, मतलब डेवलपमेंटल पॉलिसीज को बनाना, प्लान करना, उसके लिए रिसर्च करना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना, ये कोर्स का कोर मिशन लाइन या ऑब्जेक्टिव तुम कह सकते हो। सो द कोर्स ऑब्जेक्टिव इज फॉर दिस कोर्स इज कि इन्होंने पहले, जैसे किसी भी कोर्स के ऑब्जेक्टिव को बताया जाता है तो हम पहले थोड़ा सा चैलेंज बोलते हैं कि व्हाट एज ए, मतलब जैसे जो गवर्नमेंट है या एनजीओज हैं या हु सो एवर इज वर्किंग एमोंग पीपल, जो पॉलिसी मेकिंग में या एडवोकेसी में या फिर कंसल्टिंग में किसी भी तरह से अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मिस, मतलब किस तरह के स्किल्स को, किस तरह के प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को आप मिस करते हो और उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को बताने की कोशिश की गई है। तो हम जो कीवर्ड है वो आइडेंटिफाई करेंगे। इन्होंने बताया कि पॉलिसी मेकिंग, अब जब यहाँ पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है तो इट्स अबाउट सारी पॉलिसीज की बात हो रही है, बट यू विल टेक दिस पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग टर्म इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज जो डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए या डेवलपमेंट के फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए लाई जाती है। सो पॉलिसी मेकिंग हैज ऑलवेज रिमेंड अ चैलेंज इन इंडिया, ठीक है, अब चैलेंज इन इंडिया तो ठीक है, एनीबॉडी कैन से दिस लाइन, बट विथ व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज, किस तरह की चैलेंज की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि विथ ग्लेयरिंग रीजनल डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी एंड ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, तो भी ध्यान दो हमारा जो चैलेंज है, जो मल्टीपल चैलेंजेस दैट वी फेस एज अ पॉलिसी मेकर इज कंसोलिडेटेड विथ, मतलब कंसोलिडेटेड एज दीज फीचर्स ओनली। जैसे पहला इन्होंने बताया रीजनल डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी एंड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, पीपल, है ना, एंड इन्वायरमेंट, एंड द चैलेंजेस हैज बीन टू प्रमोट अ सस्टेनेबल एंड इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ वेलबींग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, स्पेशली दोज वल्नरेबल सेक्शन दैट आर लिविंग एट द मार्जिन ऑफ सोसाइटी। अभी इस बात को समझो, ये लास्ट का पूरा पैराग्राफ जो है,
स्पेसली लगाने के बाद, पैराग्राफ नहीं है जो लास्ट का लाइन है, ये बोलता है कि पॉलिसी मेकिंग, कई बार पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी इंप्लीमेंट करना फॉर दोज हु आर नॉट वल्नरेबल, जो मेन स्ट्रीम से हैं जो लोग, है ना, जो जो लोग मतलब दे आर एजुकेटेड एंड दे हैव अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, और जो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं बैंकिंग से एंड एवरीथिंग, मतलब वो नॉर्मल जो सोसाइटी को हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं, जो जिनके कारण मतलब वोटिंग के लिए या फिर एवरीथिंग दैट वी इस मतलब कॉल की, ये लोग हमारे मेन स्ट्रीम से ये सोसाइटी के पार्ट है, इनके लिए पॉलिसी फिर भी आसान होता है इम्प्लीमेंट करना बनाना। यहाँ पे स्पेशली लगा कि ये इम्फेसाइज करते हैं कि जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस के साथ साथ इनके लिए वल्नरेबल सेक्शन और जो पीपल हु आर लिविंग एट द मार्जिन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल लिटिल मोर मतलब चैलेंजिंग। निधि ने पूछा है कि सर डिफरेंस बिटवीन मार्जिनलाइजेशन एंड घेटोवाइजेशन मतलब, अच्छा मतलब देखो, अगर ऐसा है कि किसी घेटो में या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बस्ती होती है जिसमें, स्लम एरिया हाँ स्लम एरियाज, जोगी हाँ जोगी, और बस स्लम एरिया में रहने का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि मार्जिलाइज्ड ही है ना। कई बार तुम देखोगे कि स्लम एरिया में पीपल हु आर अर्निंग, है ना, दे आल्सो लिव इन स्लम एरिया। मार्जिलाइज कहने से पर्पस मेरा ये है कि दोज हु आर नॉट हैविंग बैंकिंग फैसिलिटीज विद देम, कोई रेगुलर जॉब नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, एंड वट एवर दे आर यूजिंग, वट एवर एक्ट और एक्टिविटीज दे आर यूजिंग एज देयर लाइवलीहुड इज वेरी ससेप्टेबल टू चेंज, मतलब वो कब कब गायब हो जाए पता नहीं चलेगा। कुछ भी एक ट्रेजिडी आई या फिर वेदर से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, वॉट एवर, जैसे अभी कोरोना है, तो ऐसे टाइम पे उनकी लाइवलीहुड सबसे पहले छीनी जाती है, तो वो लोगों को मार्जिन 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 पे जो है, और या वल्नरेबल हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो स्लाइड है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है, ये बताना चाहता है कि पॉलिसी मेकिंग हैज बीन अ चैलेंज, और अवेलेबिलिटी ऑफ, ये सब चीजों पे तुम्हें ध्यान देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स और ओनरशिप ऑफ रिसोर्स का क्या मतलब हुआ। एक तो ये है कि किसी किसी स्टेट में या किसी किसी ये ज्योग्राफिकल रीजन पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, कहीं कहीं पे कम है। बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ 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 प्लेसेस पे आपने ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया और बहुत सारे प्लेसेस पे नहीं भी डेवलपमेंट हुआ। कुछ लोगों के पास बहुत सारे जमीन है या फिर एन नंबर ऑफ अदर रिसोर्सेज है, कई लोगों के पास नहीं है। लोगों की डाइवर्सिटी तो आपको पता ही है, मतलब इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब है ना, और इन्वायरमेंट के भी चैलेंज, इन्वायरमेंट रिलेटेड भी डाइवर्सिटीज, यू अंडरस्टैंड कि मतलब जो लैंडस्केप है और एज वेल एज वो रेन का पैटर्न हो या फिर एनीथिंग दैट यू लुक एज इन्वायरमेंट इज डिफरेंट, है ना। तो ये सारे जो है, इनके कारण हमारी चैलेंजेस जो है बढ़ जाती है इन पॉलिसी मेकिंग, एंड एंड ऑफ कोर्स द प्राइम नीड टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड इम्प्रूव्ड वेलबींग ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस है। अब ये पर्पस में ये कोर्स कैसे काम आएगा ये आगे बताएंगे। ये इन्होंने थोड़ा और भी इसको डिस्क्राइब किया कि सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया चूज द पाथ ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, ये तुम समझो इस पे कि प्लान्ड इकोनॉमी कैसे था कि हमने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया, उसको एक एक करके फोकस एरिया डिफाइन किया कि कभी एग्रीकल्चर को, कभी एजुकेशन को, कभी इंडस्ट्री को। सो वी एवरी ईयर वी क्रिएट बजट, है ना, तो ईयरली प्लान होता है, 5 ईयर प्लान होता है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है। सो वी चूज द पाथ ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, दैट वॉज वेरी गुड, वेयर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज वॉज डिसाइडेड बाई प्रायोरिटीज सेट बाई द इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो ये लाइन क्यों लिखा गया है, इस बात को समझने की कोशिश करना। प्लानिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एडेड बाई द सेट ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर, इन्वायरमेंट, ETC। अब ये जो ये पर्टिकुलर लाइन है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के थ्रू जो डिसाइड होगा, तो व्हाटसोएवर प्लान वी क्रिएट बाय, जैसे एक गवर्नमेंट है जिसने
फाइव ईयर प्लान या उसने एक 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 टाइप ऑफ डेवलपमेंट को वो रखी, फाउंडेशन रखा, बट इट गोज फॉर लेट्स से 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का एजेंडा है, और नेक्स्ट 5 ईयर के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उसकी प्रायोरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है, जिसको कभी हम किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डेवलप करने के लिए लगाते हैं फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, दैट एस्पेक्ट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो ये भी प्रॉब्लम होती है किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए को लेकर, कि वो ऐसे प्लान करना चाहते हैं कि विद इन अ ईयर या विद इन अ 5 ईयर स्पैन में वो चेंज, या जिस तरह के चेंजेस वो चाहते हैं इन देयर ओन फेवर और एजेंडा, वो चेंज ला सके। तो एक तो ये भी बहुत बड़ा इशू रहता है, और इसमें डेवलपमेंट पॉलिसीज जो है, इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर, इन्वायरमेंट, ये सबको ओवरलैप करता हुआ पॉलिसी भी बनानी पड़ती है। मतलब इट्स नॉट जस्ट लाइक कि एक समस्या है और आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो, इट्स लाइक इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, जहाँ पे आप कई सारे आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं या मिनिस्ट्री हैं वो मिलकर भी काम करती हैं। तो पॉलिसी का ओवरलैपिंग बहुत है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बीच में, और सेंटर और स्टेट का तो तुम पता ही है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है डिफरेंट स्टेट्स में। सो पॉलिसी मेकिंग इज अ डायनेमिक पॉलिटिकल प्रोसेस रिफ्लेक्टिंग एजेंडाज, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज। तो ये जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट तो है, बट एजेंडाज जो है वो रिफ्लेक्ट होता है किसका, जो जो भी पार्टी, मतलब पार्टी यहाँ कहने का मतलब कि जो गवर्नमेंट है उनके बायसनेस बोल लो या फिर ऑब्जेक्टिव बोल लो, उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से या उनके लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से बायस हो जाता है उनके डिसीजन इन 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 डिसाइडिंग द प्रायोरिटी ऑफ एस्पेक्ट्स। सो ये भी एक तरह का चैलेंज हुआ। उसके बाद इन्होंने इन्होंने डेवलपमेंट पॉलिसीज को थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि डेवलपमेंट पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट टूल विच सेट एन एजेंडा फॉर एन इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। इंक्लूसिव वर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेना, इंक्लूसिव मतलब सबको लेकर, और सबको मतलब केवल ह्यूमन बीइंग नहीं, सब चीज को लेकर, मतलब नॉट ओनली पीपल, ऑल द पीपल, है ना। इट ऑल्सो इंटीग्रेट्स, मतलब इन्वायरमेंट हो गया एंड एवरीथिंग, मतलब इन्वायरमेंट में आपके पेड़ पौधे ये और जानवर, इनफैक्ट मतलब ज्योग्राफी, सब चीज को लेकर इंक्लूसिव नेशन बिल्डिंग प्रोसेस पे बात करता है। दिस एजेंडा गेट्स आर्टिकुलेटेड थ्रू प्लानिंग मेजर्स, रिलेवेंट एक्ट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स एंड गाइडलाइंस एंड डेवलपमेंट गवर्नेंस। अब ये देखो, ये सब पॉलिसी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। प्लानिंग मेजर्स मतलब कि क्या क्या चीजें हम मतलब मेजर्स लेना समझते हो ना, कि वो कुछ बुरा ना हो, मतलब एक प्लान करे तो वहां पे ऐसी क्या क्या चीजें हम डालें जिससे प्लान आपके कंट्रोल में रहे, है ना। रिलेवेंट एक्ट्स, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड डेवलपमेंट गवर्नेंस, ये सारे सब पॉलिसी और उसके प्रैक्टिस के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने डिस्क्राइब किया। फिर उसके बाद आते हैं हम इस कोर्स पे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कोर्स विल डू टू यू। तो ये को कोर्स है, ये टू टू ईयर मास्टर डिग्री कोर्स है, इज डिजाइन टू एड्रेस द नीड्स ऑफ पॉलिसी एनालिस्ट। अब पॉलिसी नीड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नीड्स बताए, पॉलिसी एनालिस्ट की नीड है हमें, पॉलिसी प्लानर्स की नीड है, प्रैक्टिशनर्स की नीड है। तो ये तीनों तरह के मैन पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, मतलब वो कैटर करना चाहते हैं। पॉलिसी एनालिस्ट ये सब गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकते हैं, एंड दे कैन वर्क फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। अब तुम्हें जैसे पता होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जब कोई स्कीम लाती है तो दे डोंट हैव ऑल द रिक्वायर्ड मैन पावर टू इम्प्लीमेंट दैट इंटायर स्कीम। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज को इन्वॉल्व करते हैं, और जिनकी जो एक्सपर्टीज है, जैसे मान लो अगर तुमने किसी प्रोजेक्ट में पीडब्ल्यूसी को एम्प्लॉय किया है गवर्नमेंट ने, तो पीडब्ल्यूसी आल्सो नीड पीपल हु हैव सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज इन टर्म ऑफ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, है ना। चाहे वो एनालिसिस की बात हो या प्लानिंग की बात हो या प्रैक्टिसिंग वाली भी बात है, तो उसको उनकी जरूरत में वो भी है। तो आप गवर्नमेंट में तो काम कर ही सकते हो, और नॉन गवर्नमेंट एरियाज में भी, कॉर्पोरेट्स में भी आपके पास स्कोप हो सकता है।
और वो आपकी मतलब इनके पास भी नीड है ऐसे लोगों की, दोज हु कैन परफॉर्म एज अ पॉलिसी एनालिस्ट प्लानर एंड प्रैक्टिशनर, सो दे कैन अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज एंड द प्रोसेसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो मल्टी लेवल प्लानिंग मतलब समझ रहे हो ना कि जो आप टॉप टू बॉटम कि हर जगह पे कुछ ना कुछ काम होगा और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इंफॉर्मेशन रखना है, कंट्रोल फैक्टर्स क्या होंगे. सो जितने भी चीज़ें, जैसे मतलब मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ कि लॉट मेनी पीपल गो फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट में तो डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटजी मेकिंग इज स्टिल ईजी, क्योंकि 2,000-3,000 लोगों की कंपनी होती है जनरली, एंड दे कैटर ओनली देयर ओन काइंड ऑफ कस्टमर्स, जिनके टारगेट कस्टमर बहुत फिक्स होते हैं. बट सोचो तुम एक पॉलिसी मेकर हो, सो एक एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन गवर्नमेंट है एक तरह से तुम समझो, एंड दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और पीपल की कंपाइलेशन जो इंडिया, इनके बीच में तुम वो करना चाहते हो कि गवर्नमेंट्स के एजेंडाज को भी तुम फुलफिल करो, पब्लिक के रिक्वायरमेंट को भी तुम देखो, एंड यू शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटायर पॉपुलेशन, इट्स नॉट जस्ट फॉर फ्यू काइंड ऑफ पीपल. आपकी पॉलिसी कुछ लोगों के लिए नहीं बनेगी, वो सबके लिए बनेगी. सो ब्यूरोक्रेसी है, स्टेट सेंटर का है, तो मल्टी लेवल प्लानिंग आपको करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स मल्टी लेवल के साथ साथ डायमेंशंस भी आपके पॉलिसीज के कई एस्पेक्ट्स में हो सकते हैं. तो अब ये बताता है कि क्या होगा इसके बाद. द कोर्स विल इक्विप पॉलिसी एनालिस्ट प्लानर्स एंड प्रैक्टिशनर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, है ना, ये आपको वहाँ पे बताया जाएगा, जिसको हम लोग कई बार बताते हैं ना. लास्ट टाइम भी हमने क्लास लिया था तो हमने बताया था कि फॉर्मुलेशन होगा, है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के भी स्टेप्स बताए थे, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं. देखो ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एनी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो 1 साल 2 साल 3 साल के प्रोसेस में होता है, तो अगर आप उसको मॉनिटर नहीं करते हो तो इट कैन गो वेस्ट. मतलब वो कोई भी प्रोसेस को अगर आप मॉनिटर या कंट्रोल नहीं करोगे तो चेंज होगा, और जनरली अगर आप मॉनिटर नहीं करो तो चेंज उनके रिस्पेक्ट में होगा, दोज हु आर वर्किंग फॉर द प्रोसेस, नॉट जिसके लिए हम प्रोसेस बना रहे हैं, तो वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं. तो मॉनिटरिंग उसके बाद फाइनली जब भी एक पॉलिसी बन के इम्प्लीमेंट होती है तो उसका इवोल्यूशन जरूरी होता है. ये भी हमने कई बार बताया कि इवोल्यूशन इज बेसिकली फाइंडिंग आउट द क्रिटिकल फैक्टर ऑफ इट्स सक्सेस, है ना, एंड फेलियर. तो जिसको यूज करके हम नेक्स्ट टाइम जब पॉलिसी बनाए तो उस अगर सक्सेस के रीजंस पता हो तो हम उस पर एम्फसाइज कर सकते हैं, और फेलियर के रीजंस पता हो तो हम उस पर भी एम्फसाइज कर सकते हैं. तो दीज आर मोर मतलब 4 बेसिक स्टेप्स एंड ऑन द एंटायर पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस का. एट द ग्रासरूट लेवल अलॉन्ग विद द डेवलपिंग अ ग्लोबल परस्पेक्टिव ऑन डेवलपमेंट पॉलिसी, ये एक वर्ड तुम्हें डाला गया है बिकॉज तुम्हें पता ही है कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑन पीक, है ना, ऑल्दो कोरोना के बाद थोड़ा तो लेवल में कमी आएगा ग्लोबलाइजेशन के, बट स्टिल मतलब द वर्ल्ड ग्रोज टुगेदर. तो अगर आप ग्रास रूट लेवल पे अपने पर्सपेक्टिव से ही काम कर रहे हो तो हो सकता है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव को मिस करके हम अनसिंक्ड हो सकते हैं. सो रिलेट करना जरूरी है. सो द प्रोग्राम वुड इंटीग्रेट नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी प्लानिंग एंड प्रैक्टिस. इन डूइंग सो इट विल इवेलुएट एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्टेक्चुलाइज द लर्निंग फॉर इंडिया. तो ये जो इवेलुएट एक्सपीरियंसेस है ये बेसिकली बाहर के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को इवेलुएट करना और उनके एक्सपीरियंसेस और लर्निंग को इंडिया के हिसाब से कंटेक्सचुलाइज करना कि इंडियन कंटेक्स्ट में वो कैसे फिट बैठेगा. ठीक है, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब तुम जाओगे तो हो सकता है तुमको हिस्ट्री पढ़ाया जाए पहले थोड़ा, है ना, हो सकता है तुम्हें मार्केट पढ़ाया जाए, तुम्हें हो सकता है तुम्हें कॉम्पिटिशन पढ़ाया जाए, तुम्हें सोशल अंडरस्टैंडिंग पढ़ाया जाए, ज्योग्राफी पढ़ाया जाए. बट ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हुए आपको ध्यान क्या रखना है कि योर टारगेट योर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्निंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग विच हैज दीज 4 स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स, और इनके अंदर में जो भी डेविएशन आ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड फॉर विच यू आर वर्किंग. तो इसका अगर तुम पेपर्स भी देखोगे ना तो दे हैव अ चॉइस बेस्ड मतलब स्टडी.